हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक्चुअल में नाइट्रोजन का क्या रोल है, किस तरह से नाइट्रोजन परफॉर्म करता है, क्या फंक्शन है, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी, नाइट्रोजन के फंक्शंस और उसकी डेफिशिएंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है प्लांट बॉडी का, जिसने वो वीडियो ना देखी हो एक्चुअल में नाइट्रोजन का क्या रोल है वहां पर जाकर देख सकता है। नाइट्रोजन मेनली N2 यानी NN ट्रिप्लेंट कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। ट्रिप्लेंट कोवलेंट बॉन्ड से मतलब क्या है कि हाईली मतलब बहुत ज्यादा टाइटली एक दूसरे से नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में अवेलेबल होता है। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से भी मिलती है। एटमॉस्फेयर से किस तरह से मिलती है, जैसे एनिमल से। एनिमल्स क्या है कि जो डेड एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ अमोनिफिकेशन नाइट्रोजन को रिलीज करते हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ NH3। और इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी मिलता है, इलेक्ट्रिकल वेस्ट से भी मिलता है, डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से भी मिलता है, और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से भी नाइट्रोजन हम वहां से रिलीज होता है, जो कि नाइट्रोजन जो लीव्स हैं उनको कंप्लीटली उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं जो कि एयर में पड़ी है। नाइट्रोजन हमें और कहां से मिलती है, नाइट्रोजन हमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी मिलती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कैसे मिलेगी, ऑटोमोबाइल जो गाड़ियां जो चलती हैं, गाड़ियों के धुआं जो रिलीज होता है जब कंबशन होती है फ्यूल की, तब वहां पर कार्बनिस और नाइट्रोजन ही रिलीज होती है। कार्बन और नाइट्रोजन ही रिलीज होता है, और वो जो नाइट्रोजन जो एयर में रिलीज हुई है बाय द कंबशन ऑफ एनी फ्यूल, इट माइट बी एनी इंडस्ट्रियल फ्यूल भी हो सकता है, तो उस कार जो फ्यूल का रिलीज होने कंबशन होने से जो नाइट्रोजन रिलीज हुई है वो एयर में मिक्स होकर प्लांट्स तक पहुंचती है। और उसके लिए क्या रिएक्शन, क्या फ्लोचार्ट प्रोसेस होता है, आइए उसको डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो स्टैंडर्ड रिएक्शन की, कहां कहां से हमें मिलता है। अलग अलग फॉर्म में नाइट्रोजन हमें कहां कहां से मिलता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एनिमल बायोमास से नाइट्रोजन कहां से मिलता है। इससे एनिमल बायोमास में यहां पर लिख रहा हूं, इसका मतलब यह है कि हां यहां पर मैं डेड एनिमल्स की बात कर रहा हूं प्लस डेड प्लांट्स की भी बात कर रहा हूं, वो एनिमल बायोमास में या प्लांट बायोमास आप कह सकते हैं कि यहां पर प्रोसेस होती है। अब एनिमल बायोमास से प्रोसेस होती है अमोनिफिकेशन की। किससे क्या प्रोसेस होती है, अमोनिया रिलीज होता है, अमोनिफिकेशन, क्या बोलते हैं उसे, अमोनिफिकेशन। अब अमोनिया में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसका पार्ट है, सबस्ट्रेट है, दैट इज द नाइट्रोजन, राइट। और नाइट्रोजन भी कैसा, जो कि कोवलेंट बॉन्ड से अटैच है विद द प्रोसेस इन द अमोनिफिकेशन, तो NH3 की फॉर्म में वहां पर अवेलेबल होगा, राइट। और उसके बाद NO3 भी अमोनिया का एक पार्ट है, बट वो कहां से कैसे मिलता है, NH3 यहां पर क्या हाइड्रोजन भी है बिकॉज द कंबशन भी हो रहा है ना एयर से मिला डायरेक्टली, लेकिन प्लांट्स के केस में प्लांट बायोमास में NO3 की फॉर्म में मिलेगा।
प्लांट बायोमास के केस में किस फॉर्म में मिलता है? NO3 की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है, जो कि एनिमल बायोमास या प्लांट बायोमास की जब बात करें तो किस फॉर्म में नाइट्रोजन हमें मिलेगा, और अमोनिफिकेशन प्रोसेस होगी तो किस फॉर्म में हमें नाइट्रोजन मिलता है। अब बात करते हैं हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का मतलब क्या है? ऐसी नाइट्रोजन जो प्लांट्स कंप्लीटली सराउंडिंग से अपनी लेते हैं, एयर से लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मैं एक बार इसको थोड़ा सा रेज कर रहा हूं, और फिर आपको पता चलेगा यहां पर। एटीएम, एटीएम यहां पर है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में सबसे पहले हमें मिलती है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करते हैं उनकी फिक्सेशन प्रोसेस से पहला मिलता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन से। ठीक है, किस फॉर्म में मिलती है? NH3 की फॉर्म में ही मिलती है, राइट। सेकंड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी किस फॉर्म में मिलेगी? NH3 के फॉर्म में, राइट। उसके बाद मिलती है हमें इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, या सिर्फ आप इलेक्ट्रिकल भी आप लिख सकते हैं, बिकॉज दैट इलेक्ट्रिकल मींस है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जब हम डेवलप करते हैं, बनाते हैं, तो उनके प्लांट से जो नाइट्रोजन रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। वो NO3 की फॉर्म में मिलती है, याद रखिएगा। NO3 की, आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है कि NO3 की फॉर्म में किस फिक्सेशन से हमें नाइट्रोजन मिलती है। एंड लास्ट एंड द पॉइंट इज द फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन वो भी NO3 की फॉर्म में हमें मिलती है। अब देखिए, इसको मैं फटाफट से एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। नाइट्रोजन साइकिल है जो, या जो नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म है, तो इसमें मैं पहला पार्ट है कि नाइट्रोजन हमें मिलती कहां से और किस तरह से आती है। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन आनी चाहिए, NH3 से किसमें कन्वर्ट होती है? NO2, NO2 से NO3। अब डायरेक्टली NO2 और NH3 में भी मिलती है, वो किस कैसे कैसे मिलेगी? या तो एनिमल बायोमास हो, बहुत सारे सले गले सड़े हुए जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, एक जगह पर अवेलेबल हो, तो वहां पर एक स्मेली प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल स्मेली गैस होती है, दैट विल बी द नाइट्रोजन। वो भी नाइट्रोजन मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है फिलहाल वैसे तो, बट नाइट्रोजन हायर अमाउंट में होती है उनके गलने सड़ने की हड्डियों की वजह से, वहां पर नाइट्रोजन रिलीज होता है। That is the, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। मीन्स अमोनिया रिलीज कर रहा है, और अमोनिया के साथ नाइट्रोजन भी गैस है, तो NH3 की फॉर्म में होगी। अगर सिर्फ प्लांट्स की बात करते हैं तो NO3 की फॉर्म में होगी। अब एटमोस्फियर से भी नाइट्रोजन रिलीज होती है, एटमोस्फियर में भी नाइट्रोजन मिलती है, और वो किस फॉर्म में मिलती है? या तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो, ठीक है, जो कि बायोलॉजी के जो हम इक्विपमेंट्स, या फिर बायोलॉजी हम कुछ भी ऐसे कमर्शियल हम यूज कर रहे हैं जहां पर बायोलॉजी का काम हो रहा है, दैट विल बी द रिलेटेड टू द बायो, यानी लिविंग प्रोडक्ट्स से हम डील कर रहे हैं, और उस प्रोसेस के थ्रू नाइट्रोजन रिलीज हो रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। तो
दैट विल द एनएच थ्री की फॉर्म में अवेलेबल होगी या तो इंडस्ट्रियल की फॉर्म में. इंडस्ट्रियल मीन्स किसी भी फॉर्म में इंडस्ट्री में हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या फिर रेस्ट ऑफ द लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज हैं जहां पर फ्यूल कंजप्शन होता है. ठीक है, फ्यूल को जलाया जाता है किसी प्रोसेस में, कोई भी फैक्ट्री हो तो वहां पर भी क्या होता है, एनएच थ्री की फॉर्म में नाइट्रोजन निकल रिलीज होती है. उसके बाद है फ्रेंड्स एनओ थ्री. एनओ थ्री की फॉर्म में हमें कैसे कैसे मिलेगी, या तो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी जब डेवलपमेंट करते हैं तब, और डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू एनओ थ्री में मिलेगी. ये साइकिल आपको पता होनी चाहिए, जब नाइट्रोजन साइकिल आप लिखेंगे तो आपको पता होनी चाहिए. इसके अलावा दो रिएक्शंस हैं, मैं वो में भी आपको मैं एक बार लिखवा देता हूं. ठीक है, रिएक्शन कौन कौन सी है जरा देखिए. यहां पर रिएक्शन में लिख रहा हूं रिलेटेड टू द स्टैंडर्ड रिएक्शन है, जो स्टैंडर्ड जो कि रिएक्शन है नाइट्रोजन साइकिल की. राइट, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट जब भी आप इस प्रोसेस को करते हैं तो नाइट्रोजन की आपको दो से तीन आपको इनके रूल्स और इनके सिग्निफिकेंसीज और इनके डेफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए कि आप किस फॉर्म में हम क्या बात करते हैं. और NO2 की फॉर्म में अवेलेबल होगा, राइट, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन. NO2 plus O2, that's that is the reaction. ठीक है, ये जो दो स्टैंडर्ड रिएक्शन है फ्रेंड्स, फर्स्ट इज द, मैं रिपीट कर रहा हूं, माइट बी चौक से लिखा है आपको क्लियर ना आया, पॉसिबल है ना दिख रहा हो. 2NH3 plus 3O2, इट्स प्रोसेस होगा 2NO2, यहां पर अनायन कटाइन का चार्ज आपको लगाना कंपलसरी है, टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और टू एच टू ओ, यहां पर वाटर भी रिलीज होगा. टू एनओ टू की, एनओ टू की फॉर्म में जब एनर्जी मिल, नाइट्रोजन मिलता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनाता है, एनओ थ्री बनाता है. यहां पर थ्री मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, यहां पर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, यहां पर दो मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन बना रहा है और हाइड्रोजन, एंड फर्दर दो मॉलिक्यूल ऑफ यहां पर बना रहा है वाटर के, और यहां पर भी सिमिलरली टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन यहां पर डेवलप कर रहा है, नाइट्रिक एसिड में प्रोसेस कर रहा है. तो ये स्टैंडर्ड रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स. तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर नंबर 12 है, दैट इज द मिनरल एंड न्यूट्रिशन मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन साइकिल के साथ, यहीं पर फिनिश होता है. होप सो आपको ये चैप्टर ईजी है, छोटा है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा. तो आप इसको अच्छे से सारी वीडियोस को देखिए, और जहां पर ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप बताइए कौन सी टर्मिनोलॉजी आपको नहीं समझ में आई है. हाँ, साथ ही मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो हमारा चैनल है प्रोफेसर डी आर विज, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बिकॉज दैट आपकी शेयरिंग से ही हमें मोटिवेशन मिलती है. इस चैनल पर आपको 9 से लेकर प्लस 2 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की एनसीईआरटी बेस्ड वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी. थैंक यू सो मच, गुड लक, हैव ए नाइस डे.